दी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। छठ क्यों दी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान क्यों दी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं। सदन शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सदस्यों ने, विधानसभा सदस्यों ने यहाँ पर धरना दिया है चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर। और हमारे साथ उदयवीर जी, हम बात करना चाहेंगे, ये धरना आप लोगों का क्यों? एक तानाशाह सरकार है, जनता की तो बात छोड़ो, विपक्ष की भी बात सुनने की क्षमता नहीं रखती है। अब तीन दिन का सदन चला रहे हैं, आज कंडोलेंस हो जानी है, एक दिन बजट आना है, कोई बात रखने सुनने का अवसर नहीं है। ऐसे समय में हम लोगों को जनता की जो समस्याएं हैं, जो प्रदेश की स्थिति है, उस पर अपना विरोध जताना है, प्रदेश को बताना है कि ये सरकार बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रही है, धोखा दे रही है और सदन के साथ भी मजाक कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। हमारे साथ और सदस्य हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे कि हम क्या है कि, आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये घोर किसान विरोधी सरकार है। 14 दिन में गन्ने की पेमेंट करने की बात की, लेकिन पिछले साल का अब भी गन्ने की पेमेंट बाकी है। किसान की आय दोगुनी करने की बात की, आज किसान को कीमत आधी कीमत भी नहीं मिल रही। ये इसलिए हम किसानों की आवाज उठाने के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए, ये क्योंकि सदन बहुत सीमित सदन बुलाया है, अपनी बात उठाने के लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा सदस्य थे सभी लोग, इन लोगों का कहना है कि सदन केवल 4 दिन चलने वाला है, उसमें से आज एक कंडोलेंस के लिए है। इस ऐसे में ये लोग जो अपना प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का, जो समस्याएं, जो किसान की समस्याएं हैं, उसको उठाने के लिए इन्होंने आज एक यहाँ पर धरना किया और अब ये लोग सदन में जा रहे हैं। सदन की शुरुआत होने वाली, लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ETV।